आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 इंग्लिश का चैप्टर 1। और यह चैप्टर में हम लोग एक पोएम के बारे में पढ़ेंगे और इस पोएम का नाम है गुड मॉर्निंग। तो पहले कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। डू यू लाइक टू वेक अप इन द मॉर्निंग? क्या आपको पसंद है कि आप सुबह सुबह जागो? क्या आपको सुबह जागना पसंद है? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सी व्हाट द चाइल्ड इन द पोएम फील्स। और इस पोएम में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो बच्ची है इसे सुबह उठना कैसा लगता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्काई, गुड मॉर्निंग सन, गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स दैट रन, गुड मॉर्निंग बर्ड्स, गुड मॉर्निंग ट्रीज एंड क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनी बीज। How do you find out it was day? Who told you night had gone away? I am wide awake. I am up now too. I will be right out to play with you. तो इस पोएम में यह जो बच्ची है ये बोलती है गुड मॉर्निंग स्काई, ये आसमान को बोलती है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सन, और सन को भी कहती है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स दैट रन, और जो हवा बह रही है उसे भी यह बच्ची कहती है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बर्ड्स, और जितने भी पक्षी हैं उसे यह गुड मॉर्निंग कह रही है। गुड मॉर्निंग ट्रीज, और जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं उसे यह बच्ची गुड मॉर्निंग कह रही है। एंड क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनी बीज, और जितने भी छोटे छोटे घास हैं और मधुमक्खी है उसे यह कह रही है गुड मॉर्निंग। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि अभी सुबह हो चुका है। हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज डे, और वह पूछ रही है इन सभी से कि तुम्हें कैसे पता चला कि अब सुबह हो गई है। हु टोल्ड यू नाइट हैड गॉन अवे, और तुम्हें कैसे पता चला कि रात खत्म हो गई है अब। आई एम वाइड अवेक, मैं अब जाग रही हूँ। आई एम अप नाउ टू, और मैं अब जाग चुकी हूँ पूरे अच्छे तरीके से। I will be right out to play with you, और अब हम ये बच्ची कहती है कि अब मैं थोड़ी ही देर में मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए निकलूँगी। तो यह खेलने के लिए निकलेगी, ये जितने चीज़ों को गुड मॉर्निंग बोली ना उन सभी के साथ यह खेलेगी। तो यह था पोएम। आई होप आपको यह पोएम अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की जो वीडियोस हैं वो आपको मिल सके और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।